रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले दो शातिर चोर अवैध शस्त्र कारतूस के साथ गिरफ्तार। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित यूको बैंक में छज्जा काटकर बैंक के अंदर घुसकर चोरी करने का नाकाम प्रयास किया गया था। बैंक अधिकारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की थी। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने मनोज कुमार सरोज पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम वीकापुर थाना डीह जनपद रायबरेली को एक अदद तमंचा व दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर अभियुक्त मनोज के कब्जे से तथा एक अदद सबल घटना में प्रयुक्त अभियुक्त अरविंद के कब्जे से के साथ थाना क्षेत्र के रहीमगंज मेन रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर डेहवा की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। ये देखें, अपने जनपद के अंतर्गत नसीराबाद थाना क्षेत्र में 3/4 सितंबर की रात को जब हमारी थाने की फर्स्ट मोबाइल और सेकंड मोबाइल गश्त पे थी तो छतो क्षेत्र में यूको बैंक पड़ता है, रात के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए, जैसे सायरन बजा हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पर जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकबजन करने के लिए संभल वगैरह सब बरामद हुए। ये व्यक्ति हैं मनोज कुमार और अरविंद कुमार जो बीकापुर थाना डी के रहने वाले हैं और ये वैसे शातिर अपराधी हैं और पकड़ने के बाद उनके ऊपर FIR पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।